जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय आप देख सकते हैं इंद्री में जो सरपंच एसोसिएशन है वो अपनी मांगों को लेकर के इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं समय सीधी चौक पर जो सरपंच है इंद्री की बात करें तो इंद्री हल्के के जितने भी सरपंच है इस समय अपनी मांगों को लेकर के समय आप देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ई ट्रेडिंग कंपनी ई ट्रेडिंग की बात करें या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर के समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं समय जो सरपंच है इंद्री हल्के की बात करें तो सरपंच जो है सरपंच इस समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शहीदी चौक पर इकट्ठे हैं और किस तरीके से जो नारेबाजी है वो होती हुई नजर आ रही है ई ट्रेडिंग को लेकर के या फिर 2 लाख से ऊपर का जो कार्य है उसको लेकर के समय रोज स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांगे हैं कि जब सरपंच चुन लिया जाता है तो उनको काम क्यों नहीं दिया जाता, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं भारी संख्या में समय इंद्री हल्के के जो सरपंच हैं वो इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री शहीदी चौक पर जो सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं जो सरपंच हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं भारी संख्या में समय सरपंच इंद्री हल्के से पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री जो सरपंच एसोसिएशन है वो इस समय मौके पर पहुंची है और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से ई ट्रेडिंग का मामला सामने आ रहा है और जो इनकी मांगे हैं कि 20 लाख से ऊपर का जो कार्य है वो उनको दिया जाए, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं इंद्री पुलिस इस समय भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है और इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं रोष स्वरूप जो है प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इंद्री जो सरपंच एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी पहुंचे हैं और इंद्री हल्के से पूरे ब्लॉक के जो सरपंच हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के उनकी मांगे हैं जिस तरीके से कार्य को लेकर के विकास कार्यों को लेकर के गांव में जिस तरीके से विकास कार्य हैं उनको लेकर के कम पैसा दिया जा रहा है, उसी के चलते आज रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है और इस समय सरपंच एसोसिएशन जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके समय इंद्री से दिखा रहे हैं, खबरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते हैं। देख सकते हैं समय जिस तरीके से इंद्री BDPO कार्यालय में सरपंच एसोसिएशन पहुंचती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। आप देख सकते हैं समय जो सरपंच है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए थे और इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके समय जनता को सब गणमान्य है, गांव गांव के चुने प्रतिनिधि है, सारे सारे अब सब मौजूद आदमी है, कोई सब काम सारू सुख चलेगा, किसी प्रकार की कोई उठनबाजी किसी प्रकार का हाँ अपना विरोध करेंगे अपनी मांगों के लिए, हमारे शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको थोड़ी बैठने के लिए जगह दी जाए और हम अपना प्रदर्शन चालू रखेंगे, ये हमारा अनुरोध आपसे आज जोड़ के बिल्कुल बैठ जाइए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज जो सरपंच है वो इस समय पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के समय BDPO कार्यालय में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल इस समय मौके पर पहुंची हुई है। जिस तरीके से सरपंचों की मांग है कि उनको जो विकास कार्य करने हैं उनमें कम रियायत दी जा रही है, जिस तरीके से 2 लाख से ऊपर का जो काम है वो नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद आप रोष स्वरूप इस समय देख सकते हैं इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है और पुलिस इस समय उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी जाती है। इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं सरपंच इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस देखिए किस तरीके से उनको रोकती हुई नजर आ रही है। रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो देख सकते हैं समय जो पुलिस है उन्होंने जो सरपंच ऐसे सुने और जो सरपंच पहुंचे हैं उनको रास्ते में ही रोक लिया, उनके साथ इस समय आप देख सकते हैं रोक कर जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन BDPO कार्यालय में अंदर एंट्री कर ली है। जी हां, BDPO कार्यालय के अंदर एंट्री कर ली है और जिस तरीके सरकार विरोधी समय नारेबाजी की जा रही है, सरपंच एसोसिएशन इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जो रोष स्वरूप प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं समय पुलिस और सरपंचों के बीच इस समय बहस जरूर होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं समय इंद्री BDPO कार्यालय में समय सरपंच जो इंद्री हल्के के सरपंच है वो इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहा है, अपनी मांगों को लेकर के समय प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं समय सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर के समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इंद्री BDPO कार्यालय में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस द्वारा आगे उनको रोक लिया जाता है, लेकिन
वो अपनी मांगों को लेकर के समय प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में समय सरपंच जो है इंद्री हलके के पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सरकार विरोधी समय नारेबाजी की जा रही है ई ट्रेडिंग को लेकर के, उसको लेकर के देख सकते हैं आप इस समय प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है इंद्री BDPO कार्यालय में। आप देख सकते हैं भारी संख्या में समय जो सरपंच है वो पहुंचे हुए हैं और पुलिस बल इस समय मौके पर पहुंची हुई है। देखिए किस तरीके से जो है सरकार विरोधी नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रही खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते समय जो पुलिस है पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और इस समय आप देख सकते हैं जिस तरीके से ई टेंडरिंग को लेकर के इस समय पुलिस जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लेकर के इस समय आप देख सकते हैं करके जिस तरह के इसे बंद करने का हो सरपंच जो है इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इंद्री BDPO कार्यालय में। आप देख सकते हैं इंद्री हलके के सरपंच जो है पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी होती हुई नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं BDPO कार्यालय में समय जो प्रांगण में इस समय देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है इंद्री से, आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। ई टेंडरिंग को लेकर के जिस तरीके से सरपंचों में रोष है उसी के चलते आज प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार विरोधी समय नारेबाजी की जा रही है और प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये प्रदर्शन जो है होता हुआ रहेगा। भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरपंच एसोसिएशन है वो ई टेंडरिंग जो तो देख सकते हैं समय जो प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर के किया जा रहा है और सरपंच इस समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता दिखा रही है। तो देख सकते हैं समय जो प्रदर्शन है सरपंचों का ई टेंडरिंग की जो चली हुई है उसको बंद कराने को लेकर के, उसको रद्द कराने को लेकर के इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है इंद्री BDPO कार्यालय के बाहर। सरपंच जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार विरोधी इस समय नारेबाजी की जा रही है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। समय जो इंद्री एसोसिएशन के प्रधान हैं सरपंच, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के। हाँ जी, क्या कहेंगे आज क्या आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये टोटल ऑल हरियाणा का कार्यक्रम है, हर ब्लॉक हर जिले का कार्यक्रम है, हर ब्लॉक में सारे सरपंचों का प्रदर्शन है। जो हमारी पावर थी 20 लाख की, पीछे उसको घटा के 2 लाख कर दिया गया है। अब हमारी जो मांग है वो 2 लाख से बढ़ा के हमारी सरपंचों की स्वतंत्रता जो उन्होंने छीनी है वो 30 लाख कर दी जाए, और जो 30 लाख से बाहर टेंडर देंगे वो पंचायत के थ्रू टेंडर हो और पंचायत ही उसकी पेमेंट करे। ये हमारा आज से ये सुचारू रूप से आंदोलन चालू है हर सारे हरियाणा के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर। पिछले कार्यकालों में कितना था और अब क्या किया? पिछले कार्यकाल में सरपंच 20 लाख रुपए का था, जो खुद अपनी तरफ से गांव में कुछ भी कार्य करा सकता था। इन्होंने इसको घटा के 2 लाख कर दिया है, और 2 लाख में देख लो अब कोई नाली भी नहीं, सरपंच नाली भी नहीं बना सकता, कोई शौचालय नहीं बना सकता, कोई गली नहीं बना सकता, तो क्या करेंगे 2 लाख रुपए में। बयान था वहाँ पे आपने देखा था, बोला कि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्शन सुनो, उन्होंने कहा भी मैंने पता है जो सरपंच ये आवाज उठा रहे, मैंने कहा पता अभी क्या है, तो वो कैसे कह सकता है? अभी तो सरपंच चुन के आए हैं, तो क्या वो कैसे सरपंचों को भी ये कैसे हैं सरपंच? कहीं ना कहीं लगता है उनको कि ये मतलब देखो बेईमान देखो, जैसा कोई आदमी होगा वैसी बात करेगा। ये 2 साल जो ये 2 साल से जो कार्य हो रहा नहीं प्रशासक राज में, उन्होंने पता अभी सीधा ही पैसा डायरेक्ट आ रहा, तो ये जो बीच का माध्यम है सरपंच वाला इसको खत्म किया जाए। इसी ये जो सरकार है इसी पे जोर लगा रही, बीच का माध्यम खत्म कर दिया जाए, गाँव में जो कार्य करेंगे
ठेकेदार जो कार्य करके चल जाए उनको कौन पूछेगा, तो सारी चीज तो सरपंच से पूछी जाएगी। हाँ, जो कार्य खराब होएगा ठीक होएगा तो सरपंच का जवाब दे होगा उसमें। तो कई ऐसे बड़े गांव हैं जिनमें 2 लाख से अधिक का कार्य होना होता है लेकिन वो काम समय पर नहीं हो पाते और कम जो राशि है उससे नहीं हो पाते। बिल्कुल, वो कार्य कैसे होंगे कम राशि के बावजूद जो 2 लाख रुपये कर दिया। 2 लाख में GST लगा लो आप, 40,000 तो GST चलेगी और चलेगा। 1.5 लाख में क्या कार्य होंगे गाँव में, कोई कार्य नहीं होगा 1.5 लाख में। तो मांग 30 लाख। हाँ, हमारी मांग 30 लाख रुपए की है जिससे सरपंच अपने गांव में अच्छे प्रकार से कार्य करा सके। उसकी जवाबदेही सरपंच की है सारे गांव के अंदर, वो अच्छा कार्य करवाएगा या गलत कार्य कराएगा। ठेकेदार कोई कार्य करा के चले गया, अब यही है कोई टेंडर छूटेगा 20 लाख का, वो तो ठेकेदार उसको ऊपर तो लेने को रहा भी, उसको 21 लाख में ले लेगा या 22 लाख में ले लेगा, उसको घटा के लेगा 19 लाख में लेगा, 18 लाख में लेगा, तो मैं 2 लाख रुपये कहाँ से पूरे करेगा। तो वेट ही करनी पड़ेगी, कोई टेंडर एकदम तो कभी हो ही नहीं सकता। यही बात है। हाँ बिल्कुल, तो उसकी तो वेट ही करनी पड़ेगी, वो काम नहीं होगा। सारे गांव में अभी सब काम पेंडिंग पड़े हैं जहाँ भी टेंडर हुए हैं। पेमेंट पेमेंट उनकी करवाना, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा गांव में, पेमेंट थ्योरीकली ड्रामा है। अच्छा एक चीज और, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है सरपंच, सुनो ईमानदार कहाँ से, अभी तो सरपंचों ने कुछ पता ही नहीं है। सरपंच तो ईमानदार ही है जो अपने गांव के जो लोग उनको चुन के भेजते हैं, तो ईमानदार उसको ही भेजते हैं। ईमानदार को भी हमारे गांव में विकास अच्छे से हो पाए। तो आपको क्या लगता है कि मंत्री आप लोगों को बेईमान समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे बेईमान, जो कहता हो भी मैं जानता हूँ जो सरपंच ये आवाज उठा रहे। चोर तो चोर तो अपने आप ही है, जो 2 साल से सीधा डायरेक्ट पैसा जा रहा है वहां पर, तो बताएगा भी वो सारा सिस्टम उसका रुक जाएगा, ये जो पैसा सीधा ऊपर जा रहा। गांव में विकास देख लो, किसी गांव में चले जाओ आप, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे पत्रकार के माध्यम से कि गांव में चले जाओ, किसी गांव में आप कार्य देख लो क्यों है, उन गांव में देख लो कितना पैसा है, क्या कार्य है, कितना पैसा खाते से निकल चुका है। हम तो आपके माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप ही एक हमारा सहारा हो जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाओगे और हमारे को मांगे दिलवाने में हमारा अधिकार आप लोग ही दुआओगे। पिछले 2 साल का हिसाब किताब नहीं मांगा फिर आप लोगों ने? बिल्कुल मांगा, कोई दिया नहीं। हाँ, रिपेयरिंग मार उसमें स्पाई में सारा प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी, तो हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा और बिल्कुल सुचारू रूप से रहेगा और बिल्कुल प्यार से रहेगा, कोई गलत विरोध नहीं होगा, बिल्कुल आराम से अपना विरोध शांतिपूर्ण अपना कार्य चालू। सरपंच जो प्रणाली का एक अंग है, जैसे विधानसभा पार्लियामेंट, ठीक है, यदि सरपंच बेईमान है तो फिर इसका मतलब सारा शासन भ्रष्ट है, सारा शासन बेईमान है। तो और जो कानून बने ना सब पे बने, सब पे लागू होना चाहिए, विधानसभा पे भी लागू हो, पार्लियामेंट पे भी लागू हो और सरपंच पे भी लागू हो। जो राइट इन कॉल का जो इन्होंने रखा है, एक एक चीज जो है ना, पहले अपने पे लागू करे फिर पंच सरपंच के ऊपर लागू करे। सरपंच को धमकी भी दी गई थी, हाँ दी गई है जी, बहुत सारे सरपंच ऐसे एक नहीं है। अभी रातों राती एक टेंडर पास होके बन के कागजों में तैयार हो रहा है, उसकी पेमेंट भी हो रही ठेकेदार को, और अब रात में जो है ना रातों राती परसों ईंट गिरी वहाँ, ठीक है, और आज ही फाइनल हो रहा है उसकी पेमेंट, फाइनल हो रही जी। ये तो हरियाणा न्यूज टोटल न्यूज पे थी जी खबर। आप देखो मेरे पत्रकार भाइयों, मेरे से सब कुछ शायद छुपे हुआ है लेकिन आपसे कुछ नहीं छुपे आया। इनके पास क्या चीज नहीं है, विधायकों के पास एक नंबर का 2 नंबर का क्या नहीं है इनके पास, सरपंचों क्या देवाए हैं, सरपंचों का कौन सा कोई ये फोन रिचार्ज करवाना, कहीं कोई चाय पानी का बिल देवा। हमने तो सिर्फ जो है नहीं ये ब्लैकमेल करा, भाई फलानी रैली में आ जाओ इतने आदमी लेके, वो भी हमने करते करना इनका घोड़ा गाड़ी करते करेंगे, खाना खर्चा करते करेंगे, ठीक है नहीं, और ये ईमानदार है, मैं बेईमान है, ठीक है ना। तो इस शासन प्रणाली को खत्म कर दो, इस सरपंची को खत्म कर दो ना। 2 साल से सरपंच नहीं थे ना, तो कोई गया था धरने पे, किसी ने रोका टोकी करी कहीं, ठीक है, तो सारा काट काट के ले ही गए है। किसी गांव का रिकॉर्ड उठा के देखो आप ईमानदारी से, कितने काम हुए इन 2 सालों में, कितना पैसा गया इन गांवों में से। मैं कह रहा जी 1 रुपए का काम नहीं हुआ किसी पंचायत में भी, और कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसका पैसा सलामत हो। वो पूछा इंद्री ब्लॉक किसान यूनियन सभी सरपंचों का हरियाणा में ये इनका समर्थन करती है। आज हमारा शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत की जो ई टेंडरिंग वाला सिस्टम था उसके रोष में प्रदर्शन किया गया है, और सभी इंद्री हलका के सरपंच यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। प्रदर्शन आपका कब तक रहेगा? अनिश्चित काल तक रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा ये अनिश्चित काल तक प्रदर्शन रहेगा। मांगे क्या है? हमारी मांगे है ई टेंडरिंग बंद की जाए,
जो सरपंचों की लिमिट थी घटाकर 2 लाख कर दी गई थी उसे बढ़ाया जाए ताकि सरपंच सुचारू रूप से गांव का कार्य और विकास करवा सके और ये ई टेंडरिंग बंद की जाए। क्या कहेंगे आज जो सरपंचों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, क्या कुछ सरपंच अपनी मांग रख रहे हैं, बाकी हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर रखना है, इस बारे में तो सिविल महकमे से बताएंगे एसडीएम साहब। जो भी अभी ये जो सरपंच है कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जस्ट बीडीओ ऑफिस के सामने बैठे हैं। कब तक इनका प्रदर्शन? ये तो सरपंच बताएंगे कब तक करेंगे। आपकी तरफ से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, वाटर इस समय सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान शशि जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे आज, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज हम शांतिपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए, हमारी जो मांग है यह है कि पहले हम 20 लाख रुपए तक एक पंचायत खर्चा कर सकती थी, अब वो 2 लाख रुपए कर दी इन्होंने, ये हमारी मांग है, प्रमुख मांग, इसलिए हम प्प्रदर्शन करने आए हैं। और ऊपर से सरपंचों का मानदेय 3000 रुपये दे रही हैं, चौकीदार का भी 7000 रुपये, 9000 रुपये है, तो इसे मानदेय भी बढ़ाया जाए। कुछ बुगारे भी है सरपंचों, बुगारा तो बतेरी हैं जी, बुगारे हो रहा है क्या सरपंचों का? अच्छा, उस तक कोई सिस्टम करने खराबी है सारा। ये कब तक चलेगा प्रदर्शन? प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम प्रदर्शन करेंगे। ये गांव बचाओ देहात बचाओ की मुहिम है, क्योंकि यदि गांव में पंचायतें नहीं होंगी तो गाँव का विकास कौन करेगा? आपने देखा सरपंचों का ये प्रदर्शन, इस प्रदर्शन में सरपंच स्पष्ट रूप से बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, जो अक्षरशाही है वो हावी है, और जो 87 नेता हैं वो सरपंचों की बात नहीं मान रहे हैं। जब सरपंचों की बात नहीं मानी जाएगी तो सरपंचों के पास आंदोलन का ही एकमात्र रास्ता बचा है, जो ये इख्तियार कर रहे हैं। अब ये आंदोलन कब तक चलेगा ये तो सरपंचों ने आपको बता दिया है, सरपंच लंबे समय तक आंदोलन छेड़ने के मूड में है। सरपंचों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है, सवाल यह है कि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, सरकार दावे बड़े बड़े करती है, ईमानदारी की बात करती है, पढ़ी लिखी पंचायतों को अधिकार देने की बात करती है, जब इस तरह के अधिकार देने की बात हो रही है तो फिर सरकार को ये शंका कहाँ हो रही है कि जो सरपंच हैं वो यदि उनको पूरे अधिकार मिलेंगे जैसे पहले थे तो वो पैसे बीच में से डकार जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसी शंकाएं कहाँ से हो रही हैं? एक ईमानदार पंचायत, पढ़ी लिखी पंचायत, यदि उसको अपने अधिकारों का पता नहीं है तो फिर सरकार ये दावे कैसे कर रही है कि पढ़ी लिखी पंचायत यदि होगी तो काम अच्छे होंगे। राइट टू रिकॉल की बात हो रही है, ये भी बहुत बड़ा विरोध हो रहा है राइट टू रिकॉल में। राइट टू रिकॉल में सरपंचों का कहना है कि खाली राइट टू रिकॉल सरपंचों पर ही क्यों लागू होती है, खाली एक छोटी पंचायत में क्यों लागू होती है, विधानसभा में भी लागू हो, लोकसभा में भी लागू हो, क्योंकि राइट टू रिकॉल का अधिकार ना केवल गाँव की पंचायत के जो मतदाता उनको होना चाहिए, पूरी विधानसभा को होना चाहिए, पूरी लोकसभा के क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको भी मिलना चाहिए। और सरकार ये जो इस तरह के जो नियम कानून लागू करती है वो खाली पंचायतों में ही क्यों लागू करती है, ये भी नाराजगी सरपंचों की है। ये विधानसभा में भी लागू होने चाहिए सभी नियम इस तरह के, और लोकसभा में भी लागू होने चाहिए। यदि सुधारीकरण की बात आती है, सुधार तो पूरे देश पर लागू होना चाहिए, विधानसभा में राज्य स्तर पर लागू होना चाहिए, लेकिन गाँव में ही लागू क्यों हो रहा है? ये विरोध है सरपंचों का, मांग है सरपंचों की, सरकार कब सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, यदि सरकार इस कार्य में देरी करेगी, इनकी मांग को सुनने में देरी करेगी, इनकी मांग को मानने में देरी करेगी तो फिर ये आंदोलन और उग्र होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ, एमएस निर्मल।